इंडिपेंडेंट एमपी करके जब 2019 में मैं चुन के आई और नेशनलाइज पार्टी ने एक व्यक्ति पे इतनी बड़ी जवाबदारी देना और इतना बड़ा विश्वास करना, वो यही दर्शाता है कि ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है, मट्टी में रह के लोगों के लिए जो खड़ा रहता है, लोगों के उम्मीदों के साथ उनके साथ हाथ में हाथ डाल के खड़ा रहता है, उसके पीछे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री नड्डा साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे बावन कोड़े साहब, ये दिखाते हैं जो लोगों की सेवा करेगा उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी खड़े रहेंगे। तो इनका दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत नहीं हूँ पर आज से इस परिवार में भाजपा में जुड़ी हूँ, तो डेडिकेटेड से, दिल से और जितनी मेहनत होगी उतनी मेहनत करेंगे और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी का जो सपना है अब की बार 400 पार, उसमें जरूर हमारी अमरावती एक जरूर रहेगी। पिछले 5 साल आप मुखर हो के बीजेपी का पक्ष आपने संसद में रखा, तो और ज्यादा मुखर होगी? मुझे लगता है मेरी बात हमेशा ही मैंने बहुत खुले दिल से, और जो सही बात लगी, जो दिल से निकली और लोगों के हित में रही, वो हमेशा मैंने पार्लियामेंट हो या मंच हो या लोगों के बीच हो, हमेशा मुखर तरीके से रखी है। और आने वाले भविष्य में जहां जहां मोदी जी के लिए आवाज तेज करने की बात हो, बुलंद करने की बात हो, 400 पार की बात हो, भाजपा की बात हो, हमारे अमित शाह जी की बात हो, वहां पर नवनीत राणा उसी स्पीड से बल्कि उससे ज्यादा स्पीड में आपको दिखाई देगी। 5 साल जो मेहनत की है, जो सपोर्ट किया है, उसका आपको फल मिला है आज? मुझे लगता है कि ये सपना मेरी अमरावती करों ने देखा था कि जब अमरावती में मैं बहू बनके अमरावती घूमती थी तो उनकी आंखों में वो सपना देखा कि हमारी बहू मतलब हमारे घरों में लक्ष्मी मानी जाती है और लक्ष्मी के हाथ में कमल देखने का सपना ये मेरे क्षेत्र के अमरावती करों का था। तो अमरावती करों के तरफ से मैं उनका धन्यवाद करूंगी और मुझे लगता है डेडिकेटेडली जो काम करता है उसे फल की चिंता नहीं करनी पड़ती, सिर्फ काम पे ध्यान होता है। 5 साल मैंने काम किया और आज जिस तरीके से अमित शाह जी जिन्हें मैं नेता मानती हूँ, देवेंद्र जी को मैं नेता मानती हूँ, हमारे दादा को, बावन कोड़े साहब और देश के प्रधानमंत्री, तो मुझे लगता है मैं एक वर्कर करके पिछले 12-13 वर्षों से मेरे क्षेत्र में काम किया है, तो मुझे लगता है मैं कभी भी फल की चिंता नहीं करती, मैं सिर्फ काम करती हूँ।